हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये अतुल शक्ति गाड़ी है जो कि विक्रम गाड़ी है, अतुल शक्ति गाड़ी। अगर हमारी अतुल शक्ति गाड़ी में हमें ब्रेक बनाने हो तो हमने किस प्रोसीजर से हम गाड़ी के लेदर सेट और कंप्लीट फिटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये 635 नंबर की ब्रेक पार्सल है जो कि हम KBS कंपनी यूज कर रहे हैं, और ये हमारा पिस्टन है भाई। एक वार्सल, छोटी वार्सल यहाँ पे आएगी इस तरीके से, और इसकी कैप इस तरीके से डालनी है आपने, और कोठी के अंदर आपने थोड़ा सा मोबिल लगा लेना। मिस्त्री जी, मोबिल क्यों लगाया जाता है? ठीक है जी। अच्छा, अच्छे तरीके से फिट हो जाएगी, जाम नहीं होगी। तो देखो अभी पिस्टन को, एक छोटे पिस्टन को हमने उस साइड से करना है, और इस स्प्रिंग वाले पिस्टन को हमने इस साइड से फिट करना है। अगर दोस्तों आपने कुछ भी पूछना हो भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर हम हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन डालते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। अब दोस्तों बात आते हैं मुद्दे पर कि हमने ब्रेक वार्सल को कैसे फिट करना भाई। सबसे पहले हमने छोटे वाले पिस्टन को उस तरफ डाल, पिस्टन को किसी तरफ डाल दे भाई, कोई समझ ले, इस पिस्टन को या तो इधर डाल दे या उधर डाल दे, इसका कोई लॉजिक नहीं होता। छोटे वाले पिस्टन को हमने उसकी तरफ किया है, और जिस साइड हमारा स्प्रिंग लगता है इस पिस्टन को हम इस तरफ डालेंगे, और चेक करना भी ये जाम तो नहीं है, फ्री होना चाहिए। ठीक है भाई, ब्रेक लगाएंगे, अगर फ्री होगा तो हमारे ब्रेक अच्छे से काम करेंगे, जाम नहीं होने चाहिए भाई। अगर जाम है तो सीधी बात है भाई, अपने ये अपनी कोठी चेंज कर दो भाई। अगर आपकी पिस्टन फ्री घूम रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके बाद हमने लेदरों की फिटिंग कैसे करनी है, देखो भाई ये हमारे लेदर है। तो दोस्तों जहाँ पर स्प्रिंग की बात आती है, हम स्प्रिंग सूर्य कंपनी के यूज करते हैं, सूर्य के, और इस गाड़ी के अंदर एडजस्टिंग नहीं थी। एडजस्टिंग ना होने के बाद भी हम इसमें स्प्रिंग कैसे डालेंगे और ब्रेक वार्सल कैसे अच्छे से काम करेंगे, पर डालना मिस्त्री जी। देखो भैया, दो कट हैं, ये लगा लो, चोंच सी है, यहाँ पर हमने ये डबल स्प्रिंग यूज करना पड़ेगा, और एक एक्स्ट्रा स्प्रिंग लेंगे और एक हम इसके एक पीछे डालेंगे। मिस्त्री जी, एक डालने का प्रोसीजर क्या है? ये इस वजह से डाल रहे हैं, सही काम करेगा। ठीक है, डाल दे। देखो भाई, इस तरीके से आपने लेदर सेट को फिट करना है। यहाँ से हमारे लेदर का काम फिट है, एडजस्टिंग अगर हमारी गाड़ी में एडजस्टिंग नहीं हो तो उसके बाद हमने लॉक लगाना भाई, इस तरीके से देखो। उसके बाद भाई हमारा एक पतला स्प्रिंग आता है एक साइड से कट वाला, इसको हमने एक यहाँ पर फिट करना और एक यहाँ पर, और इसको फिट करने के बाद तो दोस्तों ये हमारे लॉक की पिन होती है जो लॉक को एडजस्ट करती है, इसको हमने पीछे से फिट करना और इस तरीके से प्लास से इसको घुमा देना भाई। ये यहाँ पे लॉक फिट हो गया है। लॉक का रीजन क्या होता है कि लेदर इतने ना हो, एक जगह सेट रहेगा, और इसी तरीके से हम उस साइड के पिन डाल लेंगे लॉक के, और ये काफी पुराना मॉडल गाड़ी है भाई, और इस गाड़ी के अंदर हमने एडजस्टिंग को हटा दिया क्योंकि एडजस्टिंग वजह से ये पहिया जाम चलने लग गया था, इसलिए हमने इसके अंदर डबल स्प्रिंग कर दिया, और इससे क्या होगा, ब्रेक वार्सल भी अच्छे से काम करेगी। और जो छोटे वाला स्प्रिंग होता है उसको लगाने के लिए पहले तो लेदर को अपने अपने पोजीशन से हटाना भाई, इस तरीके से लगा करके, और उसके बाद इसको इस तरीके से फिट करना, यहाँ पर इन कटों में फिट हो जाएगा लेदर। और हमने इस गाड़ी के लेदर डो डाल दिए हैं और ब्रेक वार्सल चेंज कर दिए हैं, अब इसके बाद मिस्त्री जी हवा निकाली जाएगी, आगे से मास्टर सिलेंडर को दबाते रहे बार बार, और देखो यहाँ से हवा निकले जाएगी इसकी गाड़ी के अंदर। देखो पानी डाल रखा था, अब हमने इसके अंदर मास्टर सिलेंडर में ब्रेक ऑयल डाल दिया, देखो ब्रेक ऑयल आने लग गया, और मास्टर सिलेंडर को दबा करके निप्पल को आपने टाइट कर देना पूरा। और कितने नंबर की चाबी लगेगी इसके अंदर? 8 नंबर की चाबी लगा सकते हैं आप, पाना लगा सकते हैं। तो फुल टाइट करना, फिर हवा निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर हमने गाड़ी की हवा भी निकालनी है तो आपने निप्पल खोल के और मास्टर सिलेंडर को पूरा दबाते रहे भी, और पूरा प्रेस प्यार से दबाते रहे और पूरा प्रेशर आ जाएगा, फिर निप्पल को टाइट कर दे आपके मास्टर सिलेंडर की, और पहियों की हवा इस ट्यूब की निकल जाएगी, और सेम प्रोसीजर आपने उस साइड करना अगर आपकी गाड़ी में मास्टर सिलेंडर में अगर हवा बन चुकी है तो। देखो भाई, अगर मास्टर सिलेंडर दबाया जा रहा तो देखो कैसे काम कर रहा भैया, देखो कैसे दबाया जा रहा है, और ब्रेक वार्सल भी काम कर रही है, लेदर भी काम कर रही है। जब भी हमने लेदर डालेंगे भाई, हमारा जो ड्रम होता है उसके अंदर हम रेगमर जरूर लगाएंगे,
इससे क्या होगा, जो भी इसकी चिकनावट सी होगी तो खत्म हो जाएगी और लेदरों के अंदर भी हम एक बार जरूर साफ करेंगे भाई इनको। इससे क्या अरडक बन जाएगी और पहिया थोड़ा जाम होने लग जाएगा, मतलब ब्रेक की समस्या प्रॉब्लम है आपकी जो गाड़ी के अंदर ब्रेक की प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगी। तो इस जब हमने इसके पहिए के बैरिंगों को चेक किया, देखो भाई इसके बैरिंग भी खत्म गाड़ी के, देखो कितनी ज्यादा पले हो चुके, मतलब काम से अंदर आके काम निकलने लग गया। देखो ये पले जैसे टन टन बोलने लग जाए ना, वो बैरिंग खत्म है भाई। देखो कैसे कटाकट बोल रहा, आपको आवाज सुन रही होगी। अब हम इसके बैरिंग भी चेंज करेंगे और अच्छे से इसके बैरिंग में ग्रीस करके फिर इसको फिट करेंगे। तो इस गाड़ी के अंदर भाई हम NBC के बैरिंग यूज करेंगे और इसकी सील निकाल देंगे भाई। सील एक साइड की सील छोड़ देंगे, एक साइड ही निकाल देंगे ताकि ये बाहर की तरफ हो जाएगी और अंदर की तरफ ग्रीस इसके अंदर घूमे जाएगा। और जिक्को कंपनी की इसके अंदर हमें क्या नंबर इसका 37268, इसके अंदर इस कंपनी की हम सील यूज करेंगे जिसका नंबर है 37268। देखो भी ग्रीस डाला और फिट कर दिया। और इस अच्छे तरीके से इसके अंदर ठोक दे भाई। और ये अंदर की तरफ का पहिया है, इसके अंदर अंदर की तरफ सील लगेगी, दोनों साइड सील होती है ना, ये सील जो लगा रहे हो आप है ना, ये अंदर ही रहो, ये अंदर की सील तरफ सील लगेगी। देखो अभी इस तरीके से इसके अंदर सील ठोकनी है, यहाँ से हमारा काम कंप्लीट। अब आती है बात यहाँ की, इसके अंदर एक बोखड़ी होती है भाई जो हमारे इस गुल्ले के अंदर फिट होती है, इस पे भी हम थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे और ग्रीस लगा करके इसको भी हम इस तरीके से इसके अंदर मतलब सीधा डालना इसके अंदर। अब इसके अंदर हम इस बैरिंग के अंदर भी हम ग्रीस डालेंगे और अब इसको भी इस तरीके से फिट करेंगे। और जो हमने सील निकाली थी भाई, मतलब उस साइड की भी सील निकाल दी, इस साइड की, वो ग्रीस के अंदर बैरिंग चले जाएंगे और बैरिंग में मतलब डैमेज होने की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हम दोनों साइड की सील नहीं निकालते, जैसे हटाना एक बार पैर, अगर ये हमें सील नहीं निकालते तो बैरिंग के अंदर जो ग्रीस कंपनी देती है वही ग्रीस रहता, अब इसके अंदर ये ग्रीस घूमता रहेगा। सील हमारे डल चुके हैं, बैरिंग हमारे डल चुके हैं और बोखड़ी देखो हमारी सही सेंटर में सेट है। और अब हम पहिए को फिट कर देंगे, करो भाई इसके अंदर फिट। देखो भाई थोड़ा सा आपने जोर लगाना पड़ेगा, जैसे घुमाते रहे पहिए को और दोनों साइड से जोर लगाते रहे। और अब हमें इस बैरिंग को डालेंगे, क्योंकि इस ड्रम की ना सीट लूज थी, इस वजह से थोड़ा ये बैरिंग बाहर आ चुका, लेकिन हमने इसके अंदर नए बैरिंग डाल दिए और ये चलते रहेंगे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। चल भैया पैडल दबा, अब देखते हैं भाई गाड़ी के ब्रेक कैसे बने कैसे नहीं। चल भाई दबा, छोड़ दे, दबा दबा। देखो भाई अभी इस गाड़ी के मतलब ब्रेक पूरे जाम हो चुके, पर पैडल दबाए रख रहे, पैडल दबा ले। चल अब घुमा के देख, देखो भाई थोड़ा सा भी पहिया नहीं ले रहा, तो इस गाड़ी के यहाँ के ब्रेक मतलब अच्छे से काम करेंगे। तो ऐसी ऑटो लाइन की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से आप रेगुलर जुड़े रहे, क्योंकि इस चैनल पर हम जेन्युइन कंटेंट लेकर आते हैं।